मॉर्निंग बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 साइंस में बायोलॉजी का लेसन नंबर 11 जिसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने ऑक्सीसेशन और जो ऑक्सीसेशन है उसके बारे में पढ़ा, फिर अपने ऑक्सीसेशन है इसका स्थल कौन सा होता है, मतलब ऑक्सीसेशन कौन से भाग में कोशिका के होता है उसके बारे में पढ़ा। तो अपने देखा पहले प्रारंभिक अवस्था कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, उसके बाद में क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका द्रव्य की क्रिया कंप्लीट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में हमने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार ऊर्जा बनाता है, कौन से भाग इसमें प्रमुख होते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो आज इस वीडियो में अपने ऑक्सीसेशन है, ऑक्सीसेशन की क्रिया विधि क्या होती है, किस प्रकार से ऑक्सीसेशन में ऊर्जा बनती है और ग्लूकोज का अपघटन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट है वही श्वसन का मुख्य क्रियाधार है, क्या नोट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट श्वसन का मुख्य क्रियाधार है। यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो किसका अपघटन होता है, वसा और प्रोटीन का अपघटन होता है। ऑक्सी और अनऑक्सीसेशन की प्रारंभिक अभिक्रियाएं किस में होती है, कोशिका द्रव्य में, ऑक्सी व अनऑक्सी श्वसन की प्रारंभिक अभिक्रियाएं कोशिका द्रव्य में संपन्न होती हैं। कोशिका द्रव्य में संपन्न होती हैं। मतलब ऑक्सीजन की जो ऑक्सीसेशन क्रिया है और अनऑक्सीसेशन क्रिया ये किसमें कोशिका द्रव्य में संपन्न होती हैं, तथा ग्लूकोज का अणु टूटकर क्या बनता है इसमें पाइरूवेट अम्ल के दो अणु बनाता है, इसमें ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पाइरूवेट अम्ल के दो अणु बनाता है, पाइरूवेट अम्ल के कितने दो अणु बनाता है, और इसमें जो ग्लूकोज है इसका टूटना क्या कहलाता है, ग्लूकोज के अपघटन को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, यानी ग्लूकोज का टूटकर पाइरूवेट अम्ल में बदलना क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। तो इस प्रक्रम को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न हो जाता है। जब ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रक्रम होता है, जो पाइरूवेट अम्ल बनता है ये किसमें माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, तब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रक्रम में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ये नोट करेंगे, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यह कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। और जो पाइरूवेट अम्ल है ये किसमें
पाइरूविक इसके बाद पाइरूविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके एसिटी को एंजाइम ए बनाता है और एसिटी को एंजाइम जो बनता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया में इस चक्र को क्या कहा जाता है? क्रेब्स चक्र कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है जिसमें क्या बनते हैं जल जिसमें H2O CO2 व ऊर्जा का निर्माण होता है तो क्रेब्स चक्र किसमें माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा और जब क्रेब्स चक्र चलता है तो उसमें क्या H2O CO2 है ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण को तीन चरणों में व्यक्त किया गया है। वो कौन कौन से तीन चरण हैं? इसमें फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का अपघटन होता है। सेकंड है क्रेब्स चक्र TCA, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होगा क्रेब्स चक्र या फिर इसे TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में थर्ड है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इस प्रकरण में सारा कहना जैसे ही कोशिका है तो इस कोशिका में क्या जब सूर्य का प्रकाश है तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या हुआ प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या बन जाता है ग्लूकोज बनता है कोशिका में और इस ग्लूकोज का क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस में ये क्या माना जाता है पाइरूविक अम्ल और ये पाइरूविक अम्ल किसमें प्रवेश करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूविक अम्ल प्रवेश कर जाता है।
यहां पर क्या बनता है, वो एस की को एंजाइम ए बनता है, यहां क्या बनेगा एसिटिल को एंजाइम ए बनेगा, और एसिटिल को एंजाइम ए बनेगा तो यहां पर ही कौन सा चक्र, क्रेब चक्र कंप्लीट होगा, और क्रेब चक्र में ही क्या बनती है ऊर्जा CO2 और जल बनता है। इस तरह से दिन में क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी और ग्लूकोज बन जाएगा, फिर उसका ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो ये कोशिका द्रव्यमय क्रिया होती है। कोशिका द्रव्य में जब पाइरी कमल बदल जाते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के बाद इसे एसिटिल कोएंजाइम ए में बदला जाता है। एसिटिल कोएंजाइम ए है ये आगे ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्रेब्स चक्र प्रारंभ करता है। तो ये सारा क्रम इस तरह से होता है कंप्लीट। अब इसमें सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कैसे होती है। फर्स्ट अपने पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का किसमें बदलना, पाइरूविक अम्ल में। ये ग्लाइकोलाइसिस में पाइरूविक अम्ल बदलेगा, तो जो सारी इसकी कंप्लीट रिएक्शन होती है वो ग्लाइकोलाइसिस में अपने पढ़ेंगे कि पाइरूविक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रक्रम को अपने उपस्थिति में
पाइरीज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट किसमें बदल जाता है? इधर एटीपी है, ये एक एटीपी एटीपी में बदल जाती है। यहाँ पर भी मैग्नीशियम का आयन होगा, तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, एक फास्फेट का अणु और जोड़ देगा और फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बन जाता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट था, ये क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। ये कितनी 6 कार्बन वाली संरचना है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट 6 कार्बन वाली संरचना है। ये एल्टोनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट एल्टोनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या बनाती है, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सो एसीटोन फास्फेट, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3 PgAr बना देगा और 3 कार्बन वाली बन जाएगी संरचना। कितने 3 कार्बन वाला अणु बनाए गए हैं और इसी के साथ में प्लस में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, प्लस में यहाँ क्या बन जाता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये भी कितना 3 कार्बन वाला अणु है, तो 3 PgAl और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनता है एल्टोनेज एंजाइम की उपस्थिति में। यहाँ पर क्या, फिर एक फास्फेट का अणु जुड़ जाता है H3PO4 प्लस हो जाता है, किसके साथ जुड़ता है, ये 3PgAl के साथ में जुड़ जाता है और क्या बना देता है फास्फेट का अणु, 3PgAl आदि बन जाता है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड 1,3, क्योंकि यहाँ 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड था, एक फास्फेट का अणु जुड़ेगा तो 1,3 डाई फास्फो ग्लिसरैल्डिहाइड। ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, इस तरह से बदलते रहते हैं। 1,3 डाई फास्फो ग्लिसरैल्डिहाइड है, ये आगे क्या करता है, एंड हाइड्रोजन के अणु त्याग करता है डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। ये क्या होगा यहां पर, डी हाइड्रो डीहाइड्रोजिनेज डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें से क्या निकलेंगे, हाइड्रोजन के अणु निकलेंगे और जो हाइड्रोजन के अणु है उसे NAD है ये ग्रहण कर लेता है, क्या बनाता है NADH और H प्लस में बदल जाता है। इसके बाद में क्या बनेगा, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जब इसमें प्रयोग किया गया तो 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल। अब 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल है, ये आगे कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, डाइफास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। यहां डाई फास्फो ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, डाइफास्फो ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बन जाता है, 3 फास्फो ग्लिसरिक एसिड बन जाता है, 3 फास्फो ग्लिसरिक एसिड बन जाता है, 3 फास्फो ग्लिसरिक एसिड। ये भी कितनी 3 कार्बन वाली संरचना होती है और ये आगे फास्फो ग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये 3 कार्बन वाली, ये आगे फास्फो ग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या
क्या बनाते हैं? टू फास्को ग्लिसरिक एसिड, सी कार्बन वाला, टू फास्को ग्लिसरिक अम्ल, ये भी कितना तीन कार्बन वाला अम्ल है। ये आगे इनोलेट एंजाइम की उपस्थिति में H2O को त्याग देता है। यहां इसमें से क्या मुक्त हो जाएगा? H2O निकल जाएगा और इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, जब इनोलेज एंजाइम उपस्थित होता है तो ये किसमें बदल जाता है? फास्फो इनोल पाइरिक अम्ल, तीन कार्बन वाला, फास्फो इनोल पाइरिक अम्ल, ये कितने वाला? तीन कार्बन वाला अम्ल है, फास्फोनोल पाइरिक अम्ल। फिर फास्फोनोल पाइरिक अम्ल है, ये आगे पाइरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, यहां कौन सा एंजाइम आएगा? पाइरुविक काइनेज एंजाइम, पाइरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां पर जो एटीपी है वो एक फास्फेट का अणु ग्रहण कर लेगी। ये भी तीन कार्बन वाला था, तो एटीपी है ये एक फास्फेट का अणु ग्रहण कर लेगी और क्या बना देगी? यहां पर एटीपी में बदल जाती है और एटीपी बनता है, उसके बाद में पाइरुविक अम्ल बन जाता है। यहां पर क्या बनेगा? पाइरुविक अम्ल, कितने? ये तीन कार्बन वाला और दो अणु बनते हैं इसके। तो इस तरह से ये सारा कौन सा प्रक्रम है? ग्लाइकोलाइसिस का प्रक्रम है, ग्लाइकोलाइसिस। ये फर्स्ट स्टेप है जो कंप्लीट होता है, तो इसे आपने इस तरह से, आप चाहें तो इसे लंबा इस तरह से कॉपी में नोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड पे कंप्लीट नहीं आने के कारण आपने इस तरह से लिखा, आपने इसे बुक में, नोटबुक में सीधा राइट करना है या फिर इस तरह से राइट कर सकते हो। लास्ट में जाके क्या बनेगा? पाइरुविक एसिड बनेगा। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रक्रम है, फर्स्ट चरण ऑक्सीडेशन का कंप्लीट होता है। तो आज अपने इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपने जो आगे वाला स्टेप है, मतलब इसमें जो रिएक्शंस हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो आज जितना पढ़ा है नोट करना और इसे रिवाइज करना।